ओम शांति। आपका प्रश्न है, पिछले जन्म के कर्म फल भोगने पर पाप लगता है? सबसे पहले हम पाप और पुण्य की परिभाषा को समझ लें। ऐसा कर्म, ऐसा बोल, ऐसा संकल्प जिससे मुझे अर्थात मुझ आत्मा को या किसी भी आत्मा को यदि दुख की फीलिंग आती है वो पाप है। और मुझे और सबको जिस संकल्प बोल या कर्म से रूहानी सुख की फीलिंग आती है वो सुख है। जिस्मानी सुख क्षणिक सुख होता है परंतु उसमें दुख अंडरस्टूड समाया हुआ होता है। इसलिए जिस्मानी सुख को संपूर्ण सुख कभी नहीं कहेंगे। कितना बड़ा सुख हो जिस्मानी सुख कहीं ना कहीं दुख गुप्त रूप से लिए हुआ होता है। दुख तो है ही है, दुख देने वाला, उससे वर्तमान में भी दुख और भविष्य में भी। अब पिछले जन्म से क्या मतलब है? ये जन्म शरीर के, आत्मा का कोई जन्म नहीं, आत्मा की कोई मृत्यु नहीं। और ये जन्म क्या है? केवल ड्रेस को चेंज करना। एक आत्मा 5000 साल में ज्यादा से ज्यादा 84 ड्रेस और कम से कम एक ड्रेस चेंज कर। ड्रेस तो चाहे वो कितने भी चेंज करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे 10 ड्रेस चेंज करे, 20 ड्रेस चेंज करे, 84 ड्रेस चेंज करे, एक ड्रेस चेंज करे, परंतु आने के बाद किसी भी ड्रेस में या उसी एक ही ड्रेस में जो सुख व दुख दिया है वो लेना ही लेना है। एक आत्मा ने परमधाम से आने के बाद किसी भी आत्मा को दुख दे दिया, पाप हो गया। अब उसने जाने से पहले उस ही आत्मा से वो दुख लेना है और उसने वो दुख देना है। जिसने लिया था उसने देना है, जिसने दिया था उसने लेना है। पाप हुआ
उसने दिया, उसने लिया, अब वो उसे रिटर्न कर रहा है, वो ले रहा है, हिसाब बराबर हो रहा है। पाप दिया था, पाप ले लिया, पुण्य दिया था, सुख दिया था और सुख ले लिया, अधूरा जिस्मानी सुख दिया था और उसके पीछे जो दुख था वो भी लिया, और जो दिया था वो लिया। हिसाब बराबर होने पर अब आप इसे चाहे फल भोगना कहें, चाहे हिसाब बराबर करना, परंतु परमात्म डायरेक्शन के अनुसार हिसाब बराबर हुआ, कुछ गलत नहीं हुआ। किसी भी एक्ट को रॉन्ग नहीं कहेंगे, न्याय हुआ, न्याय मिलता है। ड्रामा न्यायकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा में सब का कल्याण होता है, क्योंकि हिसाब किताब बराबर होगा तभी तो घर जाएंगे। बिना हिसाब किताब बराबर किए, बिना हर आत्मा को न्याय मिले, कोई भी आत्मा अपने घर वापस नहीं जा सकती। तो ये पाप लगेगा या नहीं लगेगा, ये डिसीजन अब आप स्वयं कर सकते। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।